हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जहाँ जा रहे हैं वो उड़ीसा की एक जगह है, सो लेट्स गो। तो फाइनली हम आके पहुँच चुके हैं उड़ीसा स्टेट मैरिटाइम म्यूजियम। तो ये है उसकी मेन गेट जहाँ से हम एंट्री करेंगे, और ये जो मेरे राइट साइड एरिया है ये पार्किंग एरिया है, और ये मेरे लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है जहाँ पे आप टिकट लेंगे और अंदर जा सकते हैं। तो हम संडे के दिन गए थे इसलिए भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन लाइन काफ़ी कम है लेकिन लोग ज़्यादा थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड वाले भी, और ये देखिए पार्किंग एरिया में कितने सारे गाड़ी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग ये ज़्यादा है। तो फाइनली हमारी टिकट हो गई और हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अगर इस पे आप एंट्री करते हो इसकी एंट्री टिकट आपको 20 रुपये लगते हैं, बाकी इसके अंदर बहुत कुछ है उसके लिए अलग टिकट लगता है। और ये जो कांच की अपोजिट साइड में है ये म्यूज़ियम की शॉप है, और ये है हमारी पूरी सामने वाली एरिया। अब हम राइट साइड से हमारी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये है इंट्रोडक्शन गैलरी, तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ है तो आप आराम से देख सकते हैं। अब हम जाएंगे बोट बिल्डिंग गैलरी में, जहाँ पे बोट कैसे बनती है उसकी छोटे छोटे झलक दिखाए गए हैं। तो चलते हैं। तो यहाँ की जो कारीगरी है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, और यहाँ की जो बनाए हुए चीज़ें हैं वो काफ़ी रियल भी लगते हैं। तो अगर आप कभी भी आते हैं उड़ीसा में और उड़ीसा के कटक में, तो इस जगह को एक बार घूम लीजिएगा, आई एम श्योर कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और एक बात मैं बताना ज़रूर चाहूँगी कि मैं जब पहली बार यहाँ पे आई थी, तो ये जो सारे मनुष्य आपको दिख रहे हैं, मैं अचानक से एंट्री किया तो मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा सचमुच इतने सारे इंसान हैं, लेकिन नहीं है, ये सारे कारीगरी के काम है। और ये उसकी साइड में छोटे छोटे दिखाए गए हैं कि बोट कैसे बनती है, कैसे वो लोग उसको बनाते हैं, लेकिन बीच में बहुत बड़ी वाली एक बोट रखी गई है, ये वाली जो बड़ा है, लेकिन साइड में भी छोटे छोटे हैं, आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इससे बाहर जाएंगे और आगे देखेंगे क्या क्या है। तो अब हम आ चुके हैं जोब्रा मिशन गैलरी। तो ये जो जगह है ये जोब्रा में ही है, इसीलिए इस म्यूज़ियम को जोब्रा म्यूज़ियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे साइड में मशीन की कुछ काम दिखाई गई है, कुछ लोग मशीन के काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी रियल लगते हैं जो कि है नहीं। जैसे कि ये मशीन की गैलरी है, तो यहाँ पे आपको मशीन वाली चीज़ें ही देखने को मिलेंगे, कैसे मशीन चलता है, अलग अलग मशीन पे रखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं।
तो अब हम जाएंगे मैरीटाइम रिचर्स गैलरी में, जहाँ पे जो बोट चलती है उससे पहले उसकी कैसे पूजा की जाती है और अलग अलग पूजा की विधियों के बारे में भी दिखाया गया है छोटी छोटी आकार में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सारे की चीज़ के नीचे आपको लिखे हुए चीज़ मिल जाएंगे, जहाँ से आप जान सकते हैं कि ये किसके बारे में है। और सिर्फ वही चीज़ नहीं, उसकी पीछे की कारीगरी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, जो कि पुरानी याद दिलाती है। तो आप उसको अगर अच्छे से देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हमारी उड़ीसा की एक फेस्टिवल है, जहाँ पे हम कागज़ या फिर जो केले का पेड़ की जो छिलका होती है ना, उस पर हम बोट बनाते हैं और उसको पानी में देते हैं। उससे बोलते हैं कि पुण्य मिलता है, जो कि अभी अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो फाइनली उस साइड कवर हो चुकी है। अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि सी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे आराम से एक एक कर आराम से देख सकते हैं। अगर मैं वीडियो में सारे को एक एक कर दिखाऊंगी तो बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसी वजह से मैं बस हल्की हल्की झलक दे रही हूँ। आप कभी यहाँ आते हैं तो आराम से इसको देखकर एंजॉय करिएगा। तो अब हम आ चुके हैं मॉन्यूमेंट्स ऑन ओडिशन कोस्ट गैलरी, तो इसके अंदर चलते हैं, क्या है दिखाते हैं। तो आपको पहले एंट्री करते ही एक कुछ बोर्ड जैसा डिज़ाइन वाले चीज़ें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप आराम से अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, क्या क्या है आप लोग देखिए। हम अंदर वाली सारी चीज़ देख चुके हैं, अब हम बाहर निकलेंगे। तो आपको बाहर ये बच्चों की खेलने वाली एरिया दिखेगा, जो कि अच्छी से बहुत सुंदर से सजाए गए हैं, ताकि बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सकते और बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है पार्क सामने वाली, और ये मैं आपके पार्क के चारों ओर व्यूज़ दिखा रही हूँ। तो ये साइड में कुछ बोट रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। थोड़ी देर आगे आने के बाद आपको यहाँ पे एक बड़ी बोट दिखने को मिलेगी, और इसी ही रास्ते से पिछले ज़माने में बोट आते थे और चीज़ें लोडिंग या अनलोडिंग हो रहे थे, लेकिन वो बहुत पहले से ही उसको बंद कर दिया गया है। अब हम जाएंगे एक्वेरियम में, और इसके लिए अलग टिकट लगता है। और यहाँ पे आपको छोटी बड़ी और बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे छोटी सी कछुआ है और उसके साथ एक मछली भी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मछली है कलरफुल वाले।
तक अलग तरह की मछली देखी है जिसकी मुंह क्रोकोडाइल जैसा बनी हुई है। तो पहली बार देख रही थी ऐसी मछली। अगर आप पहले से देख चुके हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप ऐसी मछली पहले से देखे हुए थे या नहीं। तो अब हम बाहर आ चुके हैं और ये है कैटरिंग वाली सर्विसेज, यहाँ पे आपको फूड वगैरह मिल जाएंगी। तो अब हम जाएंगे मिरर मेज़ में, जहाँ पे आपको मिरर की इल्यूज़न देखने को मिलेंगे। तो ये है हमारी एग्ज़िट वाली गेट जहाँ से हम बाहर जाएंगे। तो हम मिरर मेज़ में आ चुके हैं जहाँ पे मिरर की काफ़ी इल्यूज़न है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसका टिकट करना मत भूलिएगा, यह आपको काफ़ी मज़ा देगी। तो गाइस वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। And thanks for watching this video.